उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पबजी ना खेलने देने से नाराज 16 साल के बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मां के शव के साथ 3 दिनों तक घर पर ही रहा। 10 साल की बहन को भी धमकाकर घर से बाहर जाने से रोक रखा। शव सड़ने से बदबू फैली तो सेना में अधिकारी पिता को खुद फोन करके बताया कि मां की हत्या कर दी है। पिता की जानकारी पर मंगलवार की रात पुलिस ने शव को घर से बाहर निकाला। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यहां उनकी पत्नी साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थीं। बेटे ने मंगलवार की रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने माँ की हत्या कर दी है। उसने पिता को शव भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को फोन करके तत्काल अपने घर भेजा। पुलिस पहुंची तो घर के अंदर के हालात देखकर दंग रह गई। एडीसीपी कश्यप आदमी के मुताबिक बेटा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था, लेकिन साधना उसे गेम खेलने से ही रोकती थी। शनिवार की रात भी उन्होंने बेटे को गेम खेलने से मना किया। बेटा इससे नाराज हो गया और करीब 2 बजे जब साधना गहरी नींद में थी, उसने अलमारी से पिता के पिस्टल निकाली और उसी से अपनी मां की हत्या कर दी। इसके बाद बहन को डरा धमका कर उसी के कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने मंगलवार देर रात बाहर का गेट खोला तो घर के अंदर से असहनीय बदबू आ रही थी। पुलिस वाले नाक पर रुमाल रख कर किसी तरह भीतर दाखिल हुए तो बेड पर साधना की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। शव इतना सड़ चुका था कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसी कमरे में सिसकियां लेती साधना की 10 साल की बेटी भी थी। पुलिस का दावा है कि बेटे ने बहन के सामने मां को गोली मारी, इससे वो इतनी दहशत में आ गई कि भाई के कहने पर मां की लाश के साथ ही सोती रही। पुलिस को साधना के शव के पास नवीन की लाइसेंसी पिस्टल मिली है और पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेटे ने मैगजीन की 6 गोलियां मां के ऊपर दाग दी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गनसौर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने बेटे से काफ़ी पूछताछ की, लेकिन उसने कितनी गोलियां दागी ये वो नहीं बता पाया। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे छुप धो करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे ऑब्लिक संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि बेटे से जब घटना के बारे में जानकारी ली गई तो उसने पहले पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बिजली मिस्त्री घर आया था और उसी ने मां की हत्या की है, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद पूरी कहानी सामने आ गई है। बेटे ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियो न्यूज 24। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस खबर को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।